अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, हमने एनवायरनमेंट में वाटर का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में से। इसके अलावा आपके पास आगे के जो सारे टॉपिक्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएंगे। तो ये वाटर से रिलेटेड लास्ट वीडियो जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली लिखी हैं, जो बाकी हैं उनको मैं कुछ को ये कि बिल्कुल ही जो अनइम्पॉर्टेंट में आती हैं उनको मैंने स्किप भी किया, लेकिन ये इससे आपका सारा कवर हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर और लार्ज स्केल में हमने पढ़ लिया था। स्मॉल स्केल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो हमारे पास कुएं आते हैं, वेल्स आते हैं जिनको डिसइनफेक्ट करना होता है, या फिर आपके पास जो नॉर्मल हाउस होल्ड पर्पज का पानी होता है उसको डिसइनफेक्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो हाउस होल्ड पर्पज के लिए है, आपको सिर्फ नाम आने की जरूरत है, इनमें से किसी भी मेथड की डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती कभी भी, नेवर एवर। एग्जाम वाइवा उस में इनकी डिटेल नहीं आती, जिसकी आएगी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इनकी नहीं आती तो इससे आप टाइम ज़्यादा ना करने, उससे बेहतर है कि आप इसके नामों को पढ़ के वो चीज़ें देख कर लें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं फिर भी आपको ओवरव्यू लाजमी दूंगी। बॉइलिंग है हमारे पास पहला मेथड, जिसमें आप पानी को सिंपली बॉईल कर लेते हैं। हार्मलेस मेथड है, चीप है, आराम से हो जाता है। मैक्सिमम इसमें बैक्टीरिया स्पोर्स ओवासिस्ट वगैरह सब कुछ मर जाते हैं, इसलिए आपके पास काफ़ी आसानी से पानी का जो है वो अच्छा मतलब साफ पानी यील्ड हो जाता है। थोड़ा सा टेस्ट में ऑल्ट्रेशन आती है, लेकिन डजेंट मैटर। दूसरा तरीका है कि आप कोई केमिकल ऐड करके पानी को डिसइनफेक्ट करें। अब वो केमिकल क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास पहला जो केमिकल है दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कि आपको हमने पहले भी कहा था कि क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन डायरेक्ट क्लोरीन तो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते ना नॉर्मल हाउस होल्ड वाटर के लिए। तो क्लोरीनेटेड लाइम का एक पाउडर बनाया जाता है, यानी लाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्लोरीन के साथ मिला के एक पाउडर बनता है जिसको क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं। ये आपका होता है बेसिकली ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में मिलाते हैं, मतलब बाकायदा डोज कैलकुलेट करके, तो बाकायदा जो है ना वो डोज कैलकुलेट करके किया जाता है, और डोज कैलकुलेट करके वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज उतना ज्यादा डिटेल में आते हैं, बस आपको बताने से कि यार ये एक तरीका है। ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरा तरीका वो ये कि हम डायरेक्टली क्लोरीन सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें और उसको डालें, लेकिन क्लोरीन सोल्यूशन में ये है कि आप ब्लीचिंग पाउडर से ही क्लोरीन सोल्यूशन, पहली बात है कि ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच भी बन सकती है, जो आपका घर में हम लाते हैं ना ब्लीच एक चीज़ होती है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में ही अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लाइम को ऐड कर देंगे ना, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वो स्टेबलाइज ब्लीच बन जाती है। तो उसमें क्लोरीन का कंटेंट कम हो जाता है और लाइम ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आप उसको स्टेबलाइज ब्लीच कहते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आपका अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर से एयर से एक्सपोज होता है या लाइट से, तो वो फौरी तौर पर अपना असर या क्लोरीन को लूज़ कर देता है, इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा लाइम डाल दिया जाता है, लेकिन वही बात है कि फिर उसमें क्लोरीन का अमाउंट कम हो जाती है। अब अगर इसी ब्लीचिंग पाउडर में से आप एक्सेस ऑफ लाइम को रिमूव करते हैं तो पीछे आपका क्लोरीन सॉल्यूशन रह जाता है। ठीक है, तो ये भी डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। बहुत थोड़ा सा आपका जो क्लोरीन सॉल्यूशन है वो आपका 20 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए भी बहुत होता है, नाम हाली याद रखें। ठीक है, फिर आपके क्लोरीन सॉल्यूशन के से ज़्यादा आसानी क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैलोजन टैबलेट्स होती हैं जो पानी में डाल देते हैं, लेकिन वही बात है कि ये भी बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा जरा से भी डालते हैं वरना पानी कोरोसिव हो सकता है। आयोडीन नॉर्मल इस्तेमाल नहीं किया जाता नॉर्मली, क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी या फिर जब आपके पास और कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तब आप थोड़ा सा आयोडीन पानी में डाल के उसको डिसइनफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इट इज़ नॉट द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट है, ये भी नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये कलर को भी ऑल्टर कर देता है और टेस्ट को भी पानी के ऑल्टर कर देता है। आपको पता है इसका कलर पर्पल सा होता है और इसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको नॉर्मली नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन कुछ भी और ना हो मजबूरी हो तो करते हैं। और कॉपर सल्फेट भी बहुत ही छोटा सा यानी थोड़ी अमाउंट में डिसइनफेक्ट करने के लिए डाला जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आपकी ऊपर चीजें बेहतर होती है। ठीक है, तो ये केमिकल डिसइंफेक्शन के बाद जो अगला तरीका है वो है फिल्ट्रेशन। हमारे पास बहुत सारे ना छोटे फिल्टर्स हैं, इसमें इस फिल्ट्रेशन में वो आपके रैपिड और स्लो सैंड फिल्टर्स नहीं आते। आपने देखा होगा घर में अक्सर लोग कहते हैं वो ऐसे करके उन्हें ना लगाए हुए होते हैं, वो कहते हैं फिल्टर लगा हुआ है घर में, उससे पानी हम पीते हैं। यूँ तीन ऐसे मतलब बने हुए होते हैं उसके पोर्शन, और उससे पानी गुजर के आता है तीनों से, और फिर उसके बाद जो है वो साफ हो जाता है। तो इस किस्म के छोटे छोटे से फिल्टर्स बने हुए मिलते हैं आपको, जो आप घर में लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटा टोटल इतने से साइज की चीज़ होती है। ठीक है, इससे भी छोटी तो अब आ गई होंगी डिफरेंट, इसके नाम भी होंगे लिखे हैं, बर्गफील्ड फिल्टर है आपका, कैटरडिन फिल्टर है, मतलब ये डिफरेंट छोटे मोटे फिल्टर्स होते हैं जिसे पानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से साफ कर दिया जाता है। ठीक है, नाम भी याद रखते हैं तो ठीक है, वरना इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वेल की डिसइन्फेक्शन आप ज़्यादातर किया जाता है वो आपके होता है इसी तरह से कि आपने ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है वेल को डिसइनफेक्ट करने का, और सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव भी यही है। तो ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वेल में, और वॉल्यूम ऑफ वाटर उसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे जो मैंने आपको कोन ऑफ फिल्ट्रेशन बताते हुए पढ़ाया था, जिसमें हमने वो बात की थी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख दिया था पाए डी स्केयर एच डिवाइडेड बाई 4 × 1000। ठीक है, मैंने पहले उस वक्त भी आपको बताया था कि एच इज द हाइट, हाइट का मतलब डेप्थ कितना है,
डेप्थ कितनी है कुएं की वो आपकी इसमें आती है, और डी स्क्वायर इज योर डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर को कभी आपने डेप्थ नहीं कहना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वैसे भी याद रखना है कि कोन ऑफ फिल्ट्रेशन में भी आपका आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप इससे फाइंड करते हैं, फिर आपने वॉल्यूम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना इस्तेमाल होना है डिपेंडिंग अपॉन द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर वो फाइंड करना होता है। उसके बाद आपने ब्लीचिंग पाउडर को पानी में एक छोटे से मतलब थोड़े से पानी में मिला के एक सोल्यूशन बनाना होता है उसका, ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन, और उसके बाद आपने उसको पानी में डालना होता है। लेकिन उसमें से मतलब पहले तो सॉरी आपने क्लोरीन सोल्यूशन को अलग करना होता है ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि लाइम भी होती है ना, लाइम और क्लोरीन सोल्यूशन दोनों से मिलकर बना होता है। तो आप क्या करते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर को थोड़े से पानी में डिजोल्व करके रख देते हैं ना, तो सारा लाइम जो है वो नीचे सेटल हो जाता है। वो लाइम नीचे सेटल हो जाएगा तो आप ऊपर वाला जो पानी है उसको अलग कर लेंगे, वो आपका क्लोरीन वाटर होता है। फिर उस क्लोरीन वाटर को आप पानी में डाल के वेल में डिसइनफेक्ट करते हैं, और उसके बाद ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट लगाते हैं उस पर, मतलब वो करके वो चेक करते हैं कि फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आपका कितना बच गया, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीका होता है सारा का सारा करने का। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हमने ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो तरीका होता है उसको हॉरॉक्स ऑपरेटर्स कहते हैं, बस नाम काफी है, बिल्कुल भी इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि हॉरॉक्स ऑपरेटर्स इज अ मेथड जिससे पता चलता है कि ब्लीचिंग पाउडर की कितनी अमाउंट चाहिए हमें एक कुएं को या वेल को डिसइनफेक्ट करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है डबल पॉट मेथड। डबल पॉट मेथड इज मेथड जो इमरजेंसी में जब आपने किसी कुएं को वेल को डिसइनफेक्ट करना हो तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो पॉट्स लेते हैं, एक बाहर आउटर पॉट होता है एक इनर पॉट होता है, ठीक है। ऐसे करके जो आउटर पॉट है इसमें सुराख करते हैं हम बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, इस जगह एक सुराख होता है, और जो इनर पॉट है इसमें यहाँ पर टॉप के करीब सुराख होता है। फिर हम इनर पॉट में ब्लीचिंग पाउडर और सैंड जो नॉर्मल सैंड होती है उसका मिक्सचर करके यहाँ तक हम भर देते हैं, और उसके बाद हम इसको एक रैप से कवर करके पानी में कुएं में इमर्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो सैंड और ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन है ना, ये क्लोरीन आहिस्ता 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 रिलीज करता रहेगा। यहाँ से पहले ये पॉट भी बंद है, ये भी बंद है, यहाँ से पहले इस पॉट में चीज़ें आएंगी, या फिर होगा ही कि इस सुराख से पानी आएगा अंदर, वो पानी डिसइनफेक्ट भी होता रहेगा। तो इस तरह से ना पानी का डिसइनफेक्शन का तरीका चलता रहता है, अंदर जो भी हो रहा है डजेंट मैटर, इतना पता होना चाहिए। ये डबल पॉट मेथड इज एन इमरजेंसी मेथड जो कि 2 से 3 हफ्ते के लिए चल जाता है, और इसमें भी जो आपने चीज़ इस्तेमाल की है वो मेनली ब्लीचिंग पाउडर ही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगला सवाल आता होता है सैम्पलिंग का, पानी की जो सैम्पलिंग हम करते हैं। तो पानी की सैम्पलिंग बहुत ही आसान सा तरीके से, सिर्फ इसमें आपने बात ही याद रखनी है कि हमारे पास दो चीज़ों के लिए पानी की सैम्पलिंग की जाती है, एक हो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए और एक होता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके पास जो आता होता है ना क्वेश्चन, वो आता है कि सैम्पलिंग ऑफ टैप वाटर का तरीका लिखें। टैप वाटर में सिर्फ जो आपने स्पेशल एक प्रोटोकॉल याद रखना है मैं बताती हूँ, उसमें आपने ये लिखना होता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पानी है, टैप वाटर है, टैप है जिसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो आपने उसको खोलना है, 2 मिनट के लिए उससे पानी ज़ाया होने देना है ताकि जो स्टेगनेंट है, जो पड़ा हुआ पानी है, रुका हुआ, वो ज़ाया हो जाए। उसके बाद आपने पानी का सैंपल लेना है, और अगर आपके पास टैप ऐसा है जो कि बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पहले आपने टैप को स्टेरिलाइज करना है। किस तरह से, एक नॉर्मल माचिस से ले लें या लाइटर ले लें, लाइटर की आग से आपने जो टैप की नोजल होती है ना, ये नलका है सपोज, तो ये उसकी नोजल है, टैप की नोजल को आपने नलके की जो सॉरी आग से इतनी देर तक आपने इसके आसपास आग रखनी जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी मतलब स्टेरिलाइज होगी। उसके बाद नलके को खोलना है, पानी ज़ाया होने देना है 2 मिनट तक। उसके बाद आपने सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल किस तरह कलेक्ट करते हैं, जब आपने सिंपल फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन अगर करना है तो आपने एक साफ सुथरी न्यूट्रल ग्लास की बनी हुई बॉटल लेनी है विद अ ग्लास टॉपर। उसको आपने जिस पानी से आपने सैंपल कलेक्ट करना है ना, ये वाला पानी है सपोज टैप वाटर, इसी पानी से आपने पहले 1/3 फिल करना है, शेक करना है, पानी गिराना है, 1/3 फिल करना है, शेक करना है, पानी गिराना है, मतलब 3 दफ़ा आपने इसी पानी से इसको धोना है। बॉटल को साफ सुथरी होनी चाहिए, न्यूट्रल ग्लास होना चाहिए। उसके बाद आपने इस बॉटल में पानी कलेक्ट कर लेना है। बॉटल की अपनी कैपेसिटी 2 लीटर्स होनी चाहिए कम से कम, और पानी फुल फुल भर नहीं लेना, उससे थोड़ा सा कम ही भरना है, ठीक है। अगर आपने करनी है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो फिर आपकी बॉटल स्टेरिलाइज होनी चाहिए, उसी तरह से न्यूट्रल ग्लास की बॉटल होगी, ग्राउंड ग्लास का स्टॉपर होगा, और स्टेरिलाइज्ड बॉटल होगी, ठीक है। ये लाजमी बात है, फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन अगर सिंपल करनी है तो जरूरी नहीं है कि बॉटल स्टेरिलाइज हो, सिर्फ साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए स्टेरिलाइज होनी चाहिए, ये लफ्ज लाजमी लिखने हैं। ग्लास की बॉटल होनी चाहिए, ये भी ग्लास की होगी, और स्टॉपर इसका सिंपल ग्लास का होगा, इसका स्टॉपर ग्राउंड ग्लास का होगा। और उसके बाद ये बॉटल जो है वो आपकी होती है 200 से 250 ml, यानी आपकी एक जो छोटी बोतल होती है उस जितनी, और उसमें आप पानी को फिर कलेक्ट कर देते हैं जिस तरह हमने कहा है। तो ये आपसे बस आता होता है ऐसी क्यों में आता है सवाल, इसको आपने याद रखना है, ये सारे लफ्ज लिखने हैं वरना आपका सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है कि सर्वेलेंस प्रोग्राम जो होता है वाटर का,
ड्रिंकिंग वाटर का उसके क्या एलिमेंट्स है, तो तीन एलिमेंट्स है। सबसे पहला होता है सेनेटरी सर्वे, नाम खाली आपने लिखने होते हैं, दो दो लाइनें इसके आगे बुक में लिखे हुए, ठीक है। पहला एलिमेंट होता है सेनेटरी सर्वे। सेनेटरी सर्वे का मतलब है कि आपने उस जगह पर जाना है, इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि पानी की किस तरह से केयर की जा रही है, जो बंदे हैं वो क्वालिफाइड है, वो खुद साफ सुथरे हैं कि नहीं, मतलब एक जगह का जब आप पूरा सर्वे करते हैं उसको सेनेटरी सर्वे कहते हैं। दूसरा होता है, अब आपने वहां जगह देख ली कि सारी साफ है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, वहां चूहे नहीं फिर रहे, वहां पर छिपकलियां नहीं फिर रही जैसा कि अक्सर होता होता है, तो वो सब कुछ आपको समझ आ गई। दूसरा काम है, अब आपने वहां से सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने पानी कलेक्ट करके उसकी फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है कि पानी की क्वालिटी यहाँ पे कैसी है, ठीक है, ये सारी आ गई। और तीसरी सैम्पलिंग, तो तीसरा जो हमारे पास टेस्ट होता है वो है बैक्टीरियोलॉजिकल सर्वेलेंस। बैक्टीरियोलॉजिकल सर्वेलेंस का मतलब है कि हमने चार ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हमेशा पानी में चेक करने थे। पहले भी मैंने आपको बताया था कोलिफॉर्म्स जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं आपके, कि अगर फीकल कंटेमिनेशन होगी तो ये लाजमी प्रेजेंट होंगे। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई चेक करना है, क्लॉस्ट्रीडियम आपने चेक करना है, और कॉलोनी काउंट करना है, ठीक है। तो ये चार चीजें आपकी बैक्टीरियोलॉजिकल सर्वेलेंस के अंदर आती हैं। उसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना होता है वो होती है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे पास पानी में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक एल्जी, फंजाई और वो सारी चीजें नहीं होती जो स्लाइमी से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में अक्सर पैदा हो जाते हैं अगर पानी खड़ा रहता है, लाइक बैक्टीरिया अगर वहां पर रहते हैं तो उसमें वो चीजें पैदा होने लग जाती है, उसको हम कहते हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है। यही हमने बात की थी ना, वो जब मैं आपको स्लो सैंड फिल्टर बता रही थी तो मैंने कहा था कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वाइटल लेयर, वो प्लैंकटन की लेयर होती है, और ये भी मैं पहले प्लैंकटन की बात कर रही हूँ। तो ये जो प्लैंकटन है ना, ये बेसिकली आपका इंडेक्स ऑफ पोल्यूशन बताते हैं किसी भी पानी का। वहां भी वो वाइटल लेयर इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दीज आर द इंडेक्स ऑफ पोल्यूशन फॉर एनी वाटर। तो उनको भी आपने चेक करना है कि उनकी क्वालिटी कितनी है और वो कितना प्रेजेंट है पानी में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा स्टेप है आपका बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और पांचवा स्टेप होता है आपका केमिकल सर्वेलाइंस। केमिकल सर्वेलाइंस के में आप डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जिससे पानी की टर्बिट्री, कलर, ऑर्डर और उसमें अमाउंट ऑफ कोई केमिकल प्रेजेंट है या नहीं, ये सब कुछ चेक करना होता है। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ सर्वेलेंस। आपने लिखने हैं लाजमी, पांच हैं और इनको लाजमन याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास ये मल्टीपल ट्यूब मेथड कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपका बेसिकली कोलीफॉर्म्स को टेस्ट करने का मेथड है, कभी भी नहीं आता, आपसे नहीं पूछते। वाटर रिलेटेड कुछ डिजीज है, अगर पानी में आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन डिफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, गोइटर है खासतौर पर। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर चीज की आपने प्रिवेंशन याद रखनी है। प्रिवेंशन के अलावा सीमेंट में आपसे और कुछ मुश्किल ही पूछते हैं। तो आयोडीन डिफिशियंसी डिजीजेज में प्रिवेंशन क्या है कि आप नमक में आयोडीन, आयोडाइज नमक इस्तेमाल करें, पानी में आयोडीन के अमाउंट ज्यादा कर दें, लोगों को अवेयरनेस पैदा करें कि वो आयोडीन इस्तेमाल किया करें। डेंटल फ्लोरोसिस तब हो जाती है जब पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा हो। कुछ इलाकों में ऐसा पानी सप्लाई होता है जहां पर पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें परमानेंट टीथ पे पक्की पक्की मॉडलिंग हो जाती है और वो ब्लैक ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उसको कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। बच्चों में होता है ज्यादा, 10 साल के बच्चों में, और खासतौर पर जो कुओं का, ऐसा कुओं का पानी पीते हैं जो हार्ड वाटर होता है, तो वो जो है ज्यादा रिकर देती है। तो उसमें हमें फिर जाहिर सी बात है कि बाकायदा सर्वेलेंस करने की जरूरत होती है कि क्या प्रॉब्लम है, जो फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है और उसको कम करने की जरूरत है, ठीक है। डेंटल केरीज तब होती है जब पानी में फ्लोराइड बहुत कम हो, पानी में फ्लोराइड कम होने की वजह से आपके जो दांतों का नेचुरल बिल्टअप है वो अच्छी नहीं बनती, जिससे दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जिनको डेंटल केरीज कहते हैं। प्रिवेंट कैसे करना है, जाहिर है हमने लोगों को अवेयरनेस करनी है, टूथपेस्ट फ्लोराइड बेस्ड इस्तेमाल करवाने की कोशिश करनी है, उसको फ्लोराइड ऐसे डाइट में ऐड कर देना है, और पानी फ्लोराइड वाला होना चाहिए। लेड पॉइजनिंग तब होती है जब आपका खासतौर पे ऐसे पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर लेड होता है, तो लेड आपको पता है लेड एनकेफेलोपैथी आपके मेंटल स्टेटस पे भी इफेक्ट कर देते हैं, एनीमिया कर देते हैं, और आपके गम्स पे, जबड़ों पे ब्लू लाइन आ जाती है। और इसके बाद होते हैं इन्फेंट मेटहेमोग्लोबिनीमिया, यानी कि बच्चों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाना, ये आपका होता है इन्फेंट मेट हीमोग्लोबिनीमिया। और ये भी आपका इसलिए होता है कि आपके पानी में नाइट्रेट्स का कॉन्टेंट अगर ज्यादा हो तो, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आपने ये बात भी याद रखनी है। ये सारी है वाटर रिलेटेड डिजीजेस। आखिर में हमारे पास जो वाटर का टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेडलेज फीकम अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज ट्रांसमिट होती है उनकी क्लासिफिकेशन की है एक ब्रेडले ने। ये आपके पास क्वेश्चन आता है इसलिए आपने ये याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले है फीको ओरल डिजीजेज, जितने जब भी पानी फीसिस कंटेमिनेटेड हो जाता है, या फिर नहीं, फीको ओरल डिजीज में बेसिकली आपकी वो होती है जो आपके फीसिस से डायरेक्ट ओरल रूट में ट्रांसमिट होती हूँ, मतलब जैसे आपकी हेपेटाइटिस ए है, फीको ओरल इन्फेक्शन है, पोलियो फीको ओरल इन्फेक्शन है, तो ये आपके फीको ओरल डिजीज में आता है, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीजेज वो होती हैं जो कि पानी में जब फीकल कंटेमिनेशन हो जाती है, यानी ह्यूमन फीसिस एक्सक्रीटा जब पानी में कंटेमिनेट हो और वो पानी पी लिया जाए या इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उससे वाटर बोर्न डिजीजेज आ जाती हैं, ठीक है। तो वाटर वॉश्ड डिजीजेज वो होती हैं जो कि पानी की कमी अगर किसी जगह पे होगी तो वहाँ पर हाइजीनिक मेयर्स के लिए पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, उसकी वजह से डिजीजेज आ जाती हैं, गंदगी की वजह से आ जाती हैं, जाहिर सी बात है, तो वो वाटर वॉश्ड होती हैं। जैसे आपने पानी नहीं होगा तो स्किन की डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगी और वगैरह वगैरह, मतलब गंदगी बेस्ड डिजीजेज। वाटर बेस्ड डिजीजेज वो वाली होती हैं
जो कि ऐसा 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 है कि हमारे पास पानी में सपोज कोई लार्वा है, वो लार्वा डायरेक्टली पानी से इंसान तक नहीं आता, लेकिन वो लार्वा कोई और ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेगा और वो ऑर्गेनिज्म में वो लार्वा बढ़ेगा, फले फूलेगा और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म एक और ओवन या कोई चीज़ रिलीज करेगा जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगी। तो ये आपका शिस्टोसोमियासिस आपने पढ़ा था, याद होगा आपको शिस्टोसोमा जो आपका होता है एक अदद जो बड़ा आपको वो कर देते हैं, एनीमिया कर देते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आपका पानी में वो लार्वा जाता है पहले और वो पानी से एक छोटी सी मछली या पता नहीं साइक्लोप्स था जो उसको ले लेते हैं और उसके बाद वो दोबारा से सिक्रीट करता है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वाटर बेस्ड डिजीज होती हैं। वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वैक्टर यानी जिनका इंसेक्ट जो है जो जिनका वैक्टर जो है वो आपका वाटर के साथ एसोसिएटेड है, जैसे आपका डेंगी है जिसका मॉस्किटो जो है वो साफ पानी पर आता है, मलेरिया है जिसका मॉस्किटो गंदे पानी पर आता है, तो ये वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वैक्टर डिजीज है। और वाटर डिस्पर्स्ड डिजीजेज में आपकी वो आती है जिसमें आपका एजेंट जो है वो फ्रेश वाटर में रहेगा और बाद में ह्यूमन जो है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेल कर लेते हैं। सपोज जो आपकी होती है ना लिग्योनेला डिजीज बड़ी कॉमन थी, खासतौर पे एसी से एयर कंडीशनर्स से फैलती है। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनर्स में आप से जो हवा आ रही होती है वो आपके इन्वायरमेंट की हवा ही होती है ना जो आती है, तो एयर कंडीशनर्स के जो आपके कूलिंग एरियाज होते हैं वहाँ के साफ पानी होता है वो काफ़ी साफ होता है, उसमें ये लिग्योनेला जो था ये ग्रो करने लग जाता है और उसके बाद जब आप उस एयर में इनहेल करते हैं तो आपको ये डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो डिजीज है वाटर डिस्पर्स, यहाँ पर आपका पानी पूरा खत्म हो जाता है। किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।